हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिजायरर नॉलेज में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा पिनटेक्स और लेस से बाजू का बहुत ही खूबसूरत डिजाइन। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अगर चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को कर लेते हैं शुरू। दोस्तों ये देखिए बाजू के लिए मैंने कपड़ा लिया है, जो कपड़े की चौड़ाई है किस तरीके से कपड़े को लिया, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ये कपड़ा है 22 इंच का, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। और सबसे पहले हमने एक इधर निशान लगाना है ऊपर की तरफ, उसके बाद ये देखिए ये निशान मैंने 14 इंच पर लगा दिया है लंबाई का। यहां से भी एक सीधी लाइन खींचनी है आपने। अब ये देखिए यहां से जो इसकी आर्मोर लेंथ निकालनी है बाजू की, तो हमने क्या करना है 3.5 इंच नीचे डीप करना है। और बाजू का जो आर्म है हम रखना है 7.5 इंच का, ठीक है। ये मैं अंदाजे से ही रख रहा हूं, ठीक है। और ये देखिए जो बॉटम साइज है वो है 10 10 का हाफ होता है 5 इंच, तो 5 इंच का निशान लगाना है हमने। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए 4 इंच आगे बढ़ा देना है, फिर इस तरीके से इन निशानों को मिला देंगे। और ये आगे हमारा मार्जिन हो गया। अब दोस्तों क्या करना, इस तरीके से इसके अंदर शेप देनी है। अब यहां से कटिंग करना है। अब इसमें देना है हमें गड्ढा, इसके में जो गड्ढा देना होता है, जो गहराई देनी होती है, वो इस प्रकार से आएगी। यहां से एक पल्ले को आपने ऊपर उठाना है, तो यहां पे लग गया सेंटर में कट, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, हमने बाजू को इस प्रकार से ऐसे खोलना है, ठीक है, ये देखिए। और यहां से जो निशान वाले लगा हुआ है, ये देखिए 1.5 इंच का और 1.5 इंच का यहां से, तो हमने क्या करना है, इसके अंदर इस तरीके से प्लेट लगानी है। तो चलिए मशीन पर चलते हैं, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से प्लेट इसमें लगानी है। ये देखिए दोस्तों मैंने प्लेट इसके अंदर लगा दी है। अब इसमें क्या करना है, ये देखिए एक मैंने एक कपड़ा लिया हुआ है, ठीक है। इसकी जो इस तरीके से चौड़ाई है मैंने ली है 4 इंच की, ठीक है। इसके ऊपर मैंने पेपर पेस्टिंग चिपका रखी है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए हमें इस प्रकार से इसकी जो लंबाई है ये ली है मैंने 15 इंच, आप 16 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस प्रकार से इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। और इसके अंदर लगानी है हमने पिनटेक्स। देखिए एक पिनटेक्स मैंने डाल दी इसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से एक एक पैर की पिनटेक्स लगानी है इस प्रकार से। एक पिनटेक्स और लगानी है पैर की। ये देखिए इस तरीके से आपने पिनटेक्स डालनी है, और यहां से 1.5 इंच का एक निशान लगाना है, और यहां से भी 1.5 इंच का इस प्रकार से, ठीक है। अब ये देखिए यहां से पकड़ेंगे इस तरीके से, ये देखिए 3 पिनटेक्स इसमें, 3 इसमें, और इसी तरीके से आपने 1.5 इंच का गैप छोड़ के हुए एक पिनटेक्स और डालनी है, 3 पिनटेक्स और डालनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें मैंने 3 3 पिनटेक्स लगा दिए हैं। अब हमने क्या करना है, इस कपड़े को इस तरीके से पकड़ेंगे ऐसे, ठीक है, और फिर इस तरीके से करना है, यहां पर भी पिनटेक्स डालनी है। एक लगा दी, इसके साथ ही हमने एक पैर की पिनटेक्स और डालनी है इसमें। ये देखिए इसके साथ एक पिनटेक्स और लगानी है हमने, एक एक पैर का मार्जिन देना है इसके अंदर, ये देखिए। ये देखिए मैंने 3 पिनटेक्स लगा दी इसके अंदर।
अब क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच का इस तरीके से आपने निशान लगाना है, ठीक है, और इस तरीके से पकड़ेंगे ऐसे, ये पिनटेक्स मैंने लगाई है, ठीक है, इसके साथ एक पैर की पिनटेक्स और डालनी है। दोस्तों प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए जो फालतू जो धागे दिख रहे हैं इसे कट करना है हमने। अब दोस्तों क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से आपने कपड़ा लेना है, ठीक है, और इसे ऐसे रखेंगे और यहां पर हमने पैर पैर की सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहां पर प्रेस करनी है, फिर इस कपड़े को इस तरीके से हमने उल्टी तरफ फोल्ड करना है। दोस्तों प्रेस करने के बाद ये देखिए जो फालतू मार्जिन है इसे कट करेंगे। ये देखिए फालतू मार्जिन हमने कट कर दिया। अब क्या करना है, सिंपल सा काम है, इस तरीके से आप खोलेंगे और यहां से इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करते यहां पर आपने प्रेस कर देनी है। ये देखिए यहां पर हमने प्रेस कर दिया है, प्रेस करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका लुक आया, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, ये देखिए दोस्तों बाजू को आपने इस प्रकार से रखना है, जो बाजू की उल्टी साइड है ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये जो हमने डिजाइन बनाया इसे इसे ऐसे खोलना है, ठीक है, और यहां से मिलाते हुए हमने यहां पर एक पैर पैर की सिलाई लगा देनी है। ये देखिए दोस्तों ये सिलाई लगाने के बाद आपने इस प्रकार से कपड़े को यहाँ से नाखून से स्क्रैच करना है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसे इस प्रकार से सीधा, ठीक है। अब ये देखिए क्या करना है, हमने इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर किनारे किनारे की सिलाई लगानी है। दोस्तों ये वाली सिलाई लगाने के बाद ये देखिए जो फालतू मार्जिन इसे कट करेंगे। अब क्या करना है, इसमें हमने ये वाली लेस लगानी है, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी लेस इसमें लगा सकते हैं। ये सिलाई लगाने के बाद लेस लगाने के बाद आपने एक लेस यहां पर लगा देनी है। अब क्या करना, हमने इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहां पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों बाजू का ये डिजाइन हमने बना दिया है। आप इस डिजाइन को प्लाजो में भी बना सकते हैं, प्लाजो में बनने के बाद भी बहुत ही खूबसूरत डिजाइन लगेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।